बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का और रियाल का रेट है जी, मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से और एक्सचेंज रेट वो शेयर कर दूंगा मैं। सबसे पहले हम अगर डॉलर रेट के मतलब बात करें तो वही 222 रुपए से लेकर 224 के राउंड में चल रहा है, यानी कि 222 रुपए कुछ पैसे स्टेट बैंक एंड 224 रुपए ओपन मार्केट। अगर रियाल रेट के मतलब बात करें तो आपको पहले मैं एक्सचेंज रेट यहाँ पर दिखा दूँ, जो कि देख लें जी 69.10 रुपये है जी आज का। और इंडिया की बात करें तो आपको 21.80 रुपये इंडिया का रेट मिल जाएगा आज का, और बांग्लादेशी टके की बात करें तो आपको 27 टके मिल जाएगा बांग्लादेशी टका भी आज का रेट है जी। अगर आप पाकिस्तान में रियाल लाकर चेंज करवा रहे हैं तो इस वक्त 60 रुपये से लेकर 60.20-65 रुपये के अराउंड में इस वक्त पाकिस्तान में भी रेट मिल रहा है जी। अभी मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। मैं सबसे पहले इनमें बात करेंगे आज वेस्टर्न यूनियन की, और इनका रेट रहा आज का 58.29 रुपये और 23 रियाल इनकी फ़ीस है। और अगर बात करें मनीग्राम की तो इनका रेट आज का 58.54 रुपये और 23 रियाल इनकी भी फ़ीस है जी। अगर टैली मनी यानी कि ANB बैंक से आप पैसे भेजना चाहते हैं तो इनका रेट आज का 58.35 रुपये है जी, और 15.17 रियाल इनकी फ़ीस होती है। अगर राजी बैंक तहवीर राजी की बात करें तो इनका रेट आज का 58.20 रुपये रहा, और 10.17 और 25 रियाल इनकी भी फ़ीस होती है। अगर STCPA की बात करें तो इनका रेट आज का 58.12 रुपये रहा, और 17 रियाल इनकी फ़ीस होती है जी। फौरी बैंक बैंक अल जजीरा की बात करें तो इनका रेट आज का 58.25 रुपये रहा, और इनकी 10.17 रियाल इनकी भी फ़ीस होती है। अगर क्विक पे का यानी कि रेट की बात करें तो इनका रेट आज का 58.22 रुपये और 10.17 रियाल इनकी भी फ़ीस होती है। और अगर आप इंजाज बैंक से पैसे भेजना चाहते हैं तो इनका रेट आज का 58.29 रुपये और 10.17 रियाल इनकी भी फ़ीस होती है। जो रेट आपको मैं बताता हूँ इसमें 10-20-30 पैसे का तो आगे पीछा हो सकता है, वो भी बाई चांस ली, लेकिन 5-10 पैसे का आगे पीछा हो सकता है। लेकिन अगर आप ये कहें ना कि जो मैं रेट आपको बता रहा हूँ आप भाई मैंने भेजा तो इसमें से एक रुपये का डिफरेंट था, तो ऐसा इंशाल्लाह नहीं होगा, क्योंकि ये करंट रेट होते हैं, एक्सचेंज रेट होते हैं, और कुछ चंद पैसों का आगे पीछा हो जाता है, और इसके अलावा रुपये की बात नहीं होती है।